हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ क्लासेस। मैं आदिल सेठी, आशा करता हूँ कि आप सब घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका थर्ड पार्ट है। हमने पिछले दो लेक्चर में कुछ रूल्स को कवर किया है, डिस्कस किया है, एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश की है। गाइस, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो आज हम 11th टू 15th जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम किसी रूल को पढ़ें, ये कुछ शब्द हैं जिनका समझना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले हैं और पिछले वाले लेक्चर में भी इनका यानी यूज किया गया है। शब्दों का प्रयोग मतलब ये तीन से चार शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। इनका अर्थ किस तरीके से होता है, इनका क्या अर्थ होता है जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ईच सबसे पहला एक शब्द है जिसका लास्ट लेक्चर में यूज किया गया था कि अगर ये आए तो किस तरह की वर्ब आएगी। ओके, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ओके, इसका अर्थ क्या होता है प्रत्येक? एक बात तो ये याद रखनी होती है कि ईच का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ये फैक्ट है। सेकंड, आइदर का प्रयोग दोनों में से कोई एक के अर्थ में, दोनों में से कोई एक मतलब दो में से कोई एक, ये इसका वर्ड मीनिंग है। के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, मतलब इंसानों और जानवरों या वस्तुओं के लिए, सबके लिए हो सकता है। ओके, वर्ड नंबर थर्ड, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ओके, दो में से कोई भी नहीं, दो है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, मतलब नेगेटिव वर्ड है ये, नेगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, एवरी का प्रयोग देख लीजिए, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, जिस तरीके से ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है उसी तरीके से एवरी का प्रयोग भी प्रत्येक के अर्थ में होता है, अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ओके गाइस, इनको याद रखना है, यहाँ ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं आइदर नाइदर भी कि इन दोनों में से अर्थ क्या होगा। उसी तरीके से ईच एंड एवरी का अर्थ भी मिलता जुलता है, दोनों का अर्थ प्रत्येक आता है लेकिन अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग यानी कि टाइम पर इनका प्रयोग किया जाता है। ओके गाइज, अब हम चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर 11 क्या है, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इस प्रकार से फॉर्म हो, या तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए, या फिर आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए, अगर स्ट्रक्चर ये बनता हो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसका प्रयोग किस तरह से किया गया हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाकर इसको प्रयोग किया गया हो, यूज सिंगुलर वर्ब, अगर ऐसा होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है, ईच ऑफ दीज फोर पेंस इज रेड, ईच ऑफ दीज फोर पेंस इज रेड, यानी इन चारों पेन में से हर एक क्या है, लाल है। इन चारों पेन्स में से हर एक क्या है, लाल, प्रत्येक पेन लाल है इन चारों पेन्स में से। ओके, तो यहां पर ईच ऑफ का प्रयोग हुआ है, के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन प्रोनाउन में से क्या आया है, ये प्लूरल प्रोनाउन बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं, प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन ही है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इन्हें, दिस दैट दिस दोस फोर पेंस, तो ये प्लूरल नाउन भी है पेंस, और अगर दीज को देखें तो हम प्लूरल प्रोनाउन है, तो ईच ऑफ दीज फोर पेंस इज रेड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट का तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। अगर आपका प्रयोग कर दोगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए आता है, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को इंडिविजुअली बना देता है सेंटेंस में, तो इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का आमतौर पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल, यानी दोनों में से, दो में से या दो लड़कों में से एक लड़का क्या है, जेंटल है, क्या है, जेंटल। आइदर ऑफ दोज, अब आइदर ऑफ आ गया, इसके बाद दोज, ये भी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब प्लूरल प्रोनाउन, इसका दैट सिंगुलर प्रोनाउन है,
और दोज प्लूरल है, उसी तरीके से दीज का सिंगुलर दिस है और दीज क्या है प्लूरल प्रोनाउन है और दोज दैट का प्लूरल प्रोनाउन है। टू बॉयज, अब ये और ये बॉयज को भी अगर देखें तो हम प्लूरल नाउन ही है, ये कॉमन नाउन है बॉय, उसका प्लूरल फॉर्म क्या है बॉयज। तो आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल, दोनों में से एक लड़का क्या है जेंटल है। अब यहाँ पर एक लड़का है दोनों में से जो कि जेंटल है, अगर ये बताना होगा तो हमें वो जो एक प्रयोग किया है उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब लानी होगी, इसीलिए यहाँ पर इज जेंटल कहा गया है। अगर आप बॉयज को देखकर आर लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तुम में से कोई नहीं इंग्लिश जानता है। नाइदर ऑफ यू, मैंने पहले ही कहा था आपको नेगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब नेगेटिव सेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है दो व्यक्ति हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन सबको नकार दिया गया है कि तुम में से कोई नहीं इंग्लिश जानता। अब देखिए नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, तो तुम में से हर एक वो है जो इंग्लिश नहीं जानता, असल में बात ये कही गई है। तो यहाँ पे हर एक के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। सिंगुलर वर्ब कैसे इस्तेमाल हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या करते हैं उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब V5 का प्रयोग करते हैं, SEIS फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश इसीलिए प्रयोग किया गया है। अगर आप यू के हिसाब से नो का प्रयोग कर देंगे तो नाइदर ऑफ के वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सेंटेंस आपको गलत करना, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नाइदर ऑफ शुरू में आ गया है। अगर बात इतनी होती सिर्फ यू नो इंग्लिश तो यहाँ पर यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता, लेकिन नाइदर ऑफ यू knows English, that is correct structure. Next example देखते हैं, neither of these two students is laborious, यानी इन दोनों छात्रों में से एक भी मेहनती नहीं है, एक भी क्या है मेहनती नहीं है। neither of आ गया हमारा structure, neither of। अब इसके बाद these two students, ये plural, ये pronoun है, these two students, अगर students को देखें तो ये plural noun है। अब दोनों में से एक भी ऐसा नहीं है जो मेहनती हो, तो इसको डिनोट करने के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है और यही हमारा ऊपर लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, रॉबर जानते हैं आप डाकू को बोलते हैं, तो उनमें से हर एक क्या था, है डाकू, डकैती करने वाला चोर था। तो ईच ऑफ देम वॉज अ रोबर, अब वॉज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनमें से हर एक वे नहीं बल्कि उनमें से हर एक डाकू था, ये हमें बताना है। अगर बात ये होती कि दे तो यहां लिखते हैं हम दे वर रोबर्स, वे डाकू थे, लेकिन हमें कहना है कि उनमें से हर एक व्यक्ति क्या था डाकू था, तो ईच ऑफ देम वॉज अ रोबर। ओके गाइस, इसको याद रखना है, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, अगर ये स्ट्रक्चर बनता है और ये स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रूल नंबर 12 देखते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस मतलब जो सपोज किए जाते हैं, कयास आ रहा है, सिर्फ कल्पना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, मतलब आप सोच सकते हैं रियलिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे शब्द हैं, इनको हमेशा याद रखना है, जरूरी होता है, इनके पीछे कोई पंडा नहीं है। इफ एज इफ एज द इफ ओनली सपोज आई विश ही विशेज शी वी विश शी विशेज एटसेट्रा, अगर वाक्य इन शब्दों से शुरू होता है, जो ऊपर गिवन यानी कि जो वर्ड्स हैं उनसे अगर वाक्य की शुरुआत होती है, कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इस तरह के वाक्य कोरी कल्पना या असंभव शर्त का अर्थ व्यक्त करते हैं। ये एक फंडामेंटल बात है इन सेंटेंसेस के हवाले से जो याद रखनी है कि अगर सेंटेंसेस इन शब्दों से शुरू होते हैं तो उनके अर्थ में एक बात हमेशा मौजूद रहेगी और वो क्या कि ये कोरी कल्पना और असंभव शर्त का अर्थ व्यक्त करते हैं, मतलब रियलिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है, तो इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब का वर्ब प्लूरल ही प्रयोग की जाएगी। जैसे इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, आई विश गोपाल वर्मा वर माई टीचर, यानी कि काश गोपाल वर्मा सर जो होते हैं वो मेरे क्या होते, टीचर होते। लेकिन अभी एक पास्ट की बात है, मेरा एक ख्वाहिश है
के होते हैं, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो वो मुझे पढ़ाते हैं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये अब सिर्फ सिवाय कल्पना के और कोरी कल्पना के कुछ भी नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अब वो पास्ट में मैं नहीं जा सकता ना, इसलिए अभी फिलहाल अगर मैं चाहूँ तो उनसे पढ़ सकता हूँ। तो आई विश गोपाल वर्मा वर माई टीचर, कि काश गोपाल वर्मा सर मेरे टीचर होते। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर माई एनिमी ही वुड थ्रेश मी, अगर वो मेरा दुश्मन होता तो वो मुझे क्या करता, बर्बाद कर देता, तबाह कर देता। थ्रेश यानी बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, हरा देना, ये सारे अर्थ इसके आते हैं थ्रेश के। तो अगर वह मेरा एनिमी होता तो वो मुझे हरा देता, बर्बाद कर देता, लेकिन वो मेरा एनिमी नहीं था या वो नहीं है, इसलिए उसने मुझे बर्बाद नहीं किया। अब ये सिवाय कल्पना के कुछ भी नहीं है, इसका प्रेजेंट वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। अयान टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द हेड ऑफ द स्कूल, यानी अयान मुझसे ऐसे बात करता है गोया के वो क्या हो, हेड ऑफ द स्कूल हो, गोया के वो क्या हो, हेड ऑफ द स्कूल। लेकिन वो हेड ऑफ द स्कूल नहीं है ना, सिर्फ ये सपोजिशनल सेंटेंस है, मतलब एक कल्पना ही हो रही है कि गोया के वो क्या है, एक स्कूल का हेड है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कल्पना की जा रही है। तीनों वाक्यों में जो कॉमन थिंग है वो क्या है, कि तीनों सेंटेंसेस में सिवाय कल्पना के और असंभव शर्त के कुछ भी नहीं है। ओके गाइज, याद रखना है कि अगर इन शब्दों से सेंटेंस शुरू हो और इनका अर्थ क्या हो, कल्पना या असंभव शर्त का अर्थ व्यक्त करती हो, इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग में आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, गोपाल वर्मा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने वर्ब का प्रयोग किया है, टेंस के मुताबिक यहाँ पर वॉज आना चाहिए, लेकिन ये सपोजिशनल सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया है। इफ ही वर, हम जानते हैं कि ही के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इस तरीके का वाक्य है जहाँ पर कोरी कल्पना या संभव शर्त का अर्थ व्यक्त हो रहा है, इसलिए हम वर का प्रयोग कर रहे हैं। ही वुड थ्रेश मी। आगे देखिए, अयान टॉक्स टू मी एज इफ ही वर, ही के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वर का प्रयोग किया गया है, द हेड ऑफ द स्कूल। ओके गाइज, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और अपने ही अंदाज में इसको लिख लीजिए। शब्दों का याद होना जरूरी है, अगर शब्द याद नहीं होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं और उनका अर्थ किस प्रकार का होता है। अब नोट देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो कि मिलते जुलते हैं सपोजिशनल, लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है जिनका यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड से एक रिलेशन होता है, मतलब वास्तविक बात होती है। तो यहाँ पर गिवन है कि इफ एज इफ एज दो, अगर इन शब्दों से वाक्य की शुरुआत होती है, अगर वाक्य इन शब्दों से शुरू होता है, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस तरह के वाक्य वास्तविक स्थिति का अर्थ व्यक्त करते हैं, मतलब इस तरह के वाक्य वास्तविक स्थिति का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले पॉइंट में नहीं था, वो कोरी कल्पना थी यहाँ पे, लेकिन रियलिटी है, वास्तविक स्थिति का अर्थ व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वह सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के मुताबिक ही प्रयोग की जाएगी। मतलब यहाँ पे मामला ये नहीं है, यहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग नहीं होगी, बल्कि सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इफ यू कम हियर, यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, उस टेंस को फॉलो किया गया है, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त रखी गई है, अगर आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आते हो तो नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, सारा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, यानी प्रतीत होता है कि सारा क्या है, काम कर रही है, प्रतीत होता है यानी दिखाई दे रहा है कि सारा काम कर रही है। सारा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, इसलिए यहाँ पे टेंस का जो रूल है उसको फॉलो किया गया है, सारा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, इसका अर्थ देख लीजिए, प्रतीत होता है कि गोया के सारा क्या कर रही है, काम कर रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि यू का, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के मुताबिक यू के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। आई विल टीच यू, आई के साथ विल का प्रयोग होता है, उसका भी हमने प्रयोग कर दिया, शैल का भी होता है, विल का भी होता है, दोनों का ही होता है। सारा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग, अब प्रतीत होता है या दिखाई देता है या सारा लगती है कि वो काम कर रही है, तो यहाँ पर सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट
कुछ है और हमने वह कुछ प्रयोग की है। As though she has been working. अब सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, इसलिए हमने has been का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग, ऑक्स का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके का सब्जेक्ट है। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट याद रखना है, कंडीशनल सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस से अलग होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस में रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ये वास्तविक स्थिति का अर्थ व्यक्त करते हैं। इफ एज दो इनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। ओके गाइज, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूल नंबर 13। सिंपल है, ऑपरेटिव नहीं है ये, ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है, OPETATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब वो जो विश करने वाले, दुआ देने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम वो प्लूरल ही प्रयोग करते हैं। तीन ही पॉइंट है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, दुआ या मतलब दुआ देने वाले, विश करने वाले, और ऐसे वाक्य हो जिनमें दुआ दी जाती है। तो अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हम वर्ब प्लूरल ही प्रयोग करते हैं। आपने बहुत बहुत ही मशहूर एक सेंटेंस है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे, सुना भी होगा, मैं गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा तुम्हें, खुदा की रहमत हो तुम पर, ईश्वर की कृपा हो तुम पर, तो मैं गॉड ब्लेस यू। अगर गॉड को हम देखें तो गॉड क्या है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ब्लेस प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब। इससे क्या आइडिया मिलता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, गॉड सेव द किंग, यानी खुदा राजा की रक्षा करे, ईश्वर यानी कि किंग की रक्षा करे, उससे बचाए। तो गॉड सेव द किंग, यहाँ पर गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेव क्या है, प्लूरल वर्ब है। एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, हमारी जो दोस्ती है वो खूब चले, तो हमारी फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। असल में स्ट्रक्चर ये है, हमारी फ्रेंडशिप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारी फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, ये सिंगुलर है लेकिन लिव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो दुआ देने वाले वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब प्लूरल ही प्रयोग की जाती है। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब असिया यस फॉर्म जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूल 14, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स मतलब जोड़ में आने वाले, जोड़ों में आने वाले, दो शब्द मिलकर आने वाले, अगर वो सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट हो तो फिर उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर गिवन है, लिखे हुए हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, अगर इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता हो तो क्या करेंगे, इनसे एक ही वस्तु या भाव का अर्थ व्यक्त होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि हमें दिखने में तो दो शब्द दिखाई देंगे, गोया कि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन इनसे एक ही वस्तु या भाव का अर्थ व्यक्त होता है। सबसे फेमस एग्जांपल इसका ये है, राइस एंड करी जब हम बोलते हैं तो दाल चावल मुराद होता है, उसे हम एक ही डिश मानते हैं, जबकि वो दो चीजें हैं अपने आप में इंडिविजुअली, लेकिन उसे हम एक डिश मानते हैं। तो उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, सम एंड सब्सटेंस है, एज एंड एक्सपीरियंस है, राइज एंड फॉल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट हो तो इनको एक ही माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी जो ब्रेड एंड बटर है वो उसके पसंदीदा नाश्तों में से एक है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ये जो डिश है राइस एंड करी, दाल चावल जिसे हम बोलते हैं, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ये एक पॉपुलर डिश है। अब देखिए आप यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लें जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि दो नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, अगर उसको भी लें तो भी यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, लेकिन हमने ऊपर कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लिया है कि पेयर वर्ड्स जो होंगे, अगर पेयर वर्ड सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। हम ये नहीं देखेंगे कि ब्रेड एक, बटर एक,
तो दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम आर का प्रयोग करेंगे। ब्रेड एंड बटर आर हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, उसी तरीके से राइस एंड करी दोनों को अलग अलग रखे हम प्लूरल सब्जेक्ट समझकर आर अ पॉपुलर डिश, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है, ब्रेड एंड बटर इज सिंगुलर वर्ब है, हर फेवरेट ब्रेकफास्ट राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, आइदर और नाइदर। ये दोनों शब्द है यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इनका प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, तो इनके साथ किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। किसका, सिंगुलर वर्ब का। एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी, देयर आर टू रूम्स हियर, यहाँ क्या है, दो कमरे हैं, दो कमरे हैं, एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, और दोनों में से एक क्या है, वेंटिलेटेड है। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास, यानी क्लास में दो लड़कियां हैं, बट नाइदर इज लेबोरियस, दोनों में से एक भी क्या नहीं है, मेहनती नहीं है। तो आइदर और नाइदर क्या हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, ये इसका सब्जेक्ट है ये आइदर, और इसका है नाइदर, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ जब ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया है, जबकि ये दोनों अर्थ कैरी करते हैं एक से ज्यादा, मतलब दो कोई भी चीज दो होगी उसके लिए हम आइदर नाइदर का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक का अर्थ व्यक्त करते हैं कि देयर आर टू रूम्स हियर, यानी कि यहाँ पर दो कमरे हैं, एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, और दोनों में से एक क्या है, वेंटिलेटेड है। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में दो लड़कियां हैं, लेकिन दोनों में से हर एक क्या है, मेहनती नहीं है। ओके गाइस, आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और पीपीटी को आप देख रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।